तो आज हम एक यंग लेडी है 32 इयर्स ओल्ड, उनका राइट साइड का ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो इनको एक छोटा सा गांठ महसूस हुआ था उनके राइट साइड ब्रेस्ट में, जो कि बिल्कुल उसमें दर्द वगैरह कुछ नहीं था। उन्होंने वो अपने फैमिली डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया था, पर बिकॉज वो बहुत छोटा था और पेशेंट यंग था, शायद इसलिए उनके जो फैमिली गायनेकोलॉजिस्ट है उनको वो लगा था कि ये कैंसर नहीं हो सकता, इसलिए कुछ दिन उनको नॉर्मल सी ट्रीटमेंट दी गई। पर वो गांठ थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, फिर इसलिए मेरे पास भेजा गया। हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसका जब बायोप्सी हुआ, छोटा सा बायोप्सी हमने किया था, ट्रूकट बायोप्सी बोलते हैं जिसे, उसमें कोई टाका वगैरह नहीं लगता, तो ऐसा बायोप्सी करके हमने डिटेक्ट किया कि वो ब्रेस्ट कैंसर की ही गांठ है। एंड फॉर्चुनेटली ये कहीं फैला हुआ नहीं था, तो इसलिए हम उनका आज ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो छोटी गांठ जब रहती है ब्रेस्ट में, और स्पेशली इन यंग फीमेल्स, हम लोग ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, मतलब कि ब्रेस्ट बचा के की जाने वाली ऑपरेशन करते हैं। इसमें जो पुराना तरीका था कि पूरा ब्रेस्ट निकाल लेते हैं, उसकी बजाय सिर्फ ट्यूमर निकलता है और जो बगल की गठाने रहती है वो साफ की जाती है, जिससे कि ब्रेस्ट का शेप साइज वो पूरा मेंटेन रहे। और ये हेल्प करता है पेशेंट्स को टू बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर फिजिक, और थोड़ा पॉजिटिविटी भी मेंटेन करता है, क्योंकि वो एक ऑर्गन लूज नहीं करते हैं। तो ऐसा ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं, और इस ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, माने कि ब्रेस्ट बचा के की जाने वाली सर्जरी, और जो पूरी तरीके से निकालने वाला सर्जरी है, जिसमें MRM जिसको बोलते हैं, जिसमें पूरा ब्रेस्ट निकल जाता है, इसमें कैंसर रिलेटेड या ऑन्कोलॉजिकल आउटकम्स जिसको हम बोलते हैं, वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। तो इट इज इक्वली सेफ, यानी कि ये बचा के करने वाली सर्जरी भी इक्वली सेफ है, उतनी ही सुरक्षित है, जितनी पूरा निकाल के की जाने वाली सर्जरी। थैंक यू। अभी हमने ये मार्किंग करके, ये ब्रेस्ट का जो लंप था, वो लंप और उसके आजू बाजू का 1 सेंटीमीटर मिनिमम वी हैव रिमूव्ड सक्सेसफुली।